रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। मध्य प्रदेश में एक बार फिर काले धन के कुबेर पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे के 7 ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। आलोक कुमार खरे की छतरपुर, इंदौर, भोपाल और रायसेन जैसी कई जगहों पर लोकायुक्त टीम पहुंची है। भोपाल के लोकायुक्त के निर्देश पर अधिकारी की संपत्तियों पर छापेमारी की जा रही है। लोकायुक्त की माने तो आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला सामने आया है। आलोक कुमार खरे हैं जो सहायक आयुक्त हैं मध्य प्रदेश राज्य आबकारी विभाग में और वर्तमान में सहायक आयुक्त के पद पर इंदौर में पदस्थ हैं। इनके खिलाफ पूर्व में लोकायुक्त भोपाल को ये शिकायत प्राप्त हुई कि इनके द्वारा इनके परिवारजनों के नाम पर और स्वयं के नाम पर आय से अधिक संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जिसका शिकायत सत्यापन किया गया गोपनीय रूप से, जिसमें ये पाया गया प्राथमिक रूप से कि इनके द्वारा जो संपत्तियां इनके परिवारजनों स्वयं के नाम पर अर्जित की गई हैं वह इनके द्वारा घोषित आय और जो वैध आय है उससे ज़्यादा है, जिसके कारण शिकायत सत्यापन के पश्चात लोकायुक्त भोपाल द्वारा आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण कायम किया गया है। इंदौर में लोकायुक्त के छापे में आय से अधिक संपत्ति सामने आई है। इसमें अधिकतर संपत्ति आलोक खरे की पत्नी और बच्चों के नाम है। स्थानों पर इनके एक साथ भोपाल लोकायुक्त के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके एक टीम छतरपुर में कार्रवाई कर रही है, 2 टीमें पृथक पृथक इनके फार्म हाउस पर इंदौर में है और रायसेन में है, 1 टीम भोपाल निवास स्थान पर है और 1 टीम के रूप में मैं इंदौर आया हुआ था। इंदौर में ग्रैंड एक्जोटिका में फ्लैट नंबर 1001 में ये रहते हैं, जो कि बंद था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये चाबी इसकी और मिस्टर आलोक कुमार खरे भोपाल अपने निवास स्थान पर हैं, तो हमने उसको सील बंद कर दिया है और वहाँ अपने कांस्टेबल को सुरक्षार्थ छोड़ दिया है। जैसे ही हमको चाबी प्राप्त होगी हम उसका सर्च कार्रवाई करेंगे। बता दें कि आलोक खरे फिलहाल इंदौर में पद संभाल रहे हैं, साथ ही वे भोपाल और रायसेन में भी आबकारी आयुक्त का पद संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।